11 महीने इस कलेक्ट्रेट के अंदर 11 माह आंदोलन किया था, 11 माह। उस जमाने में इतना बड़ा आंदोलन भारत देश में नहीं हुआ था। ये पहला आंदोलन था कि 11 माह इस पृथ्वी छिंदवाड़ा की धरती पर हुआ। उसका रिजल्ट क्या हुआ? यहाँ के आदिवासियों ने, मेरे भाई, जब आंदोलन हुआ इसमें भी बहुत बड़ी छलकपट हुआ, बाद में बताऊंगा, मगर यहाँ के आदिवासियों ने कमलनाथ के बारे में सारे लोगों ने बोला कमलनाथ वो चोर है। वास्तव में जब ये शरणक सिंह में यहाँ आया था तो इसके पास कितना पैसा था? इसी आदिवासियों के बल पर आज खरब अरब पति बना है, यही समाज ने इसको वोट दिया। आज भी बताइए, बड़ी बड़ी फैक्ट्री है, सब कुछ है, इसने किसी को कलेक्टर बनाया, एसपी बनाया, तहसीलदार बनाया, नायब तहसीलदार बनाया, एसडीएम, किसी एक को नहीं बनाया। सारा का सारा आदिवासी बाहर काम करने जाता है। मैं कहना चाहता हूँ धन्य आदिवासी, वो 11 मई की लड़ाई में कमलनाथ से यहाँ का आदिवासी, यहाँ का समाज के आदमी नाराज था। आपको बता देना चाहता हूँ, कमलनाथ का कितना बड़ा अमीर रहे, मगर आदिवासियों को वोट के आगे उसको झुकना पड़ा। सुंदरलाल पटुआ, इसका सुंदरलाल पटुआ का क्या छिंदवाड़ा जिले में कोई रिश्तेदार है? बता, पूछना चाहता हूँ, रिश्तेदार है? सुंदरलाल पटुआ ने कमलनाथ को झूल चटाया तो किसने वोट दिया? यही आदिवासियों ने कमलनाथ के खिलाफ दिया वोट। कौन कहता कि आदिवासी यहाँ का पिछड़ा का पीछे, यहाँ के आदिवासी बहादुर है? कमलनाथ को भारी वोटों से सुंदरलाल पटवा जीता और कमलनाथ हराने का काम यही आदिवासी किया। मैं समाज से मेरा हाथ जोड़कर प्रार्थना, आप लोग टिकाऊ टिकाऊ की बात कह रहे हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूँ, खाली 40% आदिवासी एक हो जाए बिल्कुल। जैसे कि हमारे भाई राष्ट्रीय महासचिव भाई ने कहे कि एक हो जाए, 40% आदिवासी यदि छिंदवाड़ा का एक तरफ हो जाए तो कमलनाथ की गोरी बस्तरिया आने वाले समय खत्म हो जाए, चला जाएगा कमलनाथ, नकुलनाथ चला जाएगा, ये नहीं रहेगा। इसका पैसा देना उस समय जितने पटवा को पटवा के जमाने में बांटा धन्य मेरा आदिवासी समाज, ऐसे सीना छोड़कर 11 महीने का आंदोलन का बदला लिया था कमलनाथ। इसको कोई नहीं बताते, लोग बताते नहीं, कमलनाथ कमलनाथ बीजेपी बीजेपी, अरे यही आदिवासी जिसने कमलनाथ को झूठ चटाया कि नहीं भाई, बताइए चटाया कि नहीं चटाया? तो अभी साफ संकल्प ले रहे कि नहीं ले रहे? पेंता गोंडवाना पार्टी से जो टकराएगा, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से टकराएगा, कुछ तो करो जवानी में, कुछ तो करो जवानी में, कुछ तो करो जवानी में। मैं बोलूंगा मातृ शक्ति जागेगी, सारी समस्या भागेगी, मातृ शक्ति जागेगी, मातृ शक्ति जागेगी, शक्ति भागेगी। हमारा मैं बोलूंगा देश का नेता, गोंडवाना पार्टी का नेता कैसा हो तो लेसर में काम जैसा हो, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का नेता कैसा हो लेसर जैसा हो, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की नेता कैसा हो लेसर जैसा। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। श्याम मरकाम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ, श्याम मरकाम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ, हमारे संघर्ष पर संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ, हमारे बीच में खड़ा उतरेंगे भाई, हमारे सरयाम जी खड़े हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुसूचित जाति के नागवंशी जी हैं, आपसे कर बात प्रार्थना है, जो बार बार जो आवाज उठ रही है, आप लोग संकल्प लो कि हम कमलनाथ को पलटेंगे, बोलो हम कमलनाथ को, और किसका राज लाएंगे? गोंडवाना का राज, गोंडवाना किसका राज होगा? मध्य प्रदेश की सरकार किसकी होगी? मध्य प्रदेश की सरकार किसकी होगी? हाँ, तो आप लोगों से मेरे करवत प्रार्थना है, आप लोग किसी के बहकाव में ना, ये पैसा देते हैं तो पैसा देते तो आप पैसा का लात मार दो, देते तो ले, नगर कोर्ट कहाँ जाना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए? आरी में, आरी में जाना चाहिए मेरे भाइयों, जो 11 महीना जो आंदोलन किए है, इसी आंदोलन का कई लोगों ने सीखे, जो क्या कहते हैं
डॉक्टर सुनीलम यहाँ के आंदोलन की परीक्षण लेकर गया, प्रशिक्षण लेकर गया और वो विधायक बन गया। बैतूल का बना के नहीं बना तो अरे भाई वो जिला है यार, वो आदिवासी जिला है, ये कौन सा जिला? गोंडवाना जिला है जी, कई जिला नहीं थे जब बहुत पुराना है। जो देवगढ़ का राजा से दिल्ली वाले कर्ज ले जाते थे, देवगढ़ का राजा दिल्ली वालों को कर्ज देता था। वो उस धरती के हम निवासी भाई, बड़ा देव फड़ा पेन सब तो इसी नगरी में है। एक बार जागरूक करो यार भाई, फड़ा पेनता गोड़वाना गणतंत्र पार्टी। तो भाइयों, आप सब लोगों को, आप दूर दूर से आए हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय को सुनना है, आप सभी लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूं। मेरे आयोजक समिति हमारे भाई रमेश भाई हैं, नरेंद्र उनके जी हैं और बहुत सारे हमारे कार्यकर्ता पुराने भूतपूर्व हैं, अपने फरते जी हैं, सीएल ठाकुर जी हैं, बहुत सारे हमारे जिनका भी मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ। आपका खून पसीना लगा है, आपका आशीर्वाद इसी धरती पर आप लोगों ने हमें जिंदा किए, लड़ने का काम लगाए, यही वो जिला है जो क्या बोलते हो आप कमलनाथ से डरते। कमलनाथ को मैंने रेस्ट वहाँ बंद कर दिया था, हॉस्टल में तो ओंकों को मारा था। कौन कहता इसी धरती पर मैं स्टूडेंट था, इसी समाज ने मुझे साथ दिया। NSUI के लड़के कितने बार कॉलेज में चुनाव हारे, क्या चैनल जीतती थी, जीती के नहीं, आदिवासी लड़का लड़की साथ दिए के नहीं, NSUI भरा है वो। हम उस समय के संघर्ष कर रहे हैं मेरे भाइयों, कोई नए नहीं है, आपके संघर्ष से हम आशीर्वाद से हम आगे बढ़े हैं। इतना कहकर मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय बड़ा देव, जय गोंडवाना। राज करेगा। धन्यवाद बलावी जी।